नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आए हैं और ऐसा वीडियो है जो कि सभी उन लोगों के काम आ सकता है जो ऑफिस का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स कह सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी इनका इस्तेमाल करके आप स्टोर करते हैं, उन्हें कैसे सेव किया जाए, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जब हम किसी सिस्टम पे काम करते हैं, किसी को मेल करते हैं या कहीं से कोई कॉपी को रिसीव करते हैं, वो ओपन एक्सेस रहती है। और मान लीजिए आपका सिस्टम खुला रह जाए या कहीं आपने गलती से कोई फाइल सेंड हो जाए, तो उसको प्रोटेक्टेड कैसे किया जाए, उसमें पासवर्ड कैसे लगाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा जो बैंकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं दोस्तों, उनमें पासवर्ड आता है और एक हम कहते हैं पैटर्न बना दिया जाता है कि आपको आपके नाम के अक्षर के और पैन कार्ड से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं। इसके बाद ही वो फाइल जो है पासवर्ड के बाद खुलती है, लेकिन वो पीडीएफ में होती है और पीडीएफ को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एमएस ऑफिस भी आपको ऑप्शन देता है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है और उस ऑप्शन में ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं। करना क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। मान लीजिए हम एक फाइल यहाँ बना लेते हैं और मैं यहाँ वर्ड की फ़ाइल बना लेता हूँ और मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ हेलो, ये मैंने नाम दे दिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ कंटेंट लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ हेलो, और ये कंटेंट को मैं जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपकी दोस्तों ये फाइल बन गई है और आप इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। ये ऑलरेडी हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है हेलो नाम से, ये सेव हो गई है दोस्तों। और मान लीजिए अब मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा। बंद करने के बाद जो है अब हम जब भी इसको ओपन करेंगे, कोई भी ओपन करेगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी और सारा कंटेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, और दोस्तों जो मैं बताऊँगा वो आप तीनों जगह पर एप्लीकेबल है, वो पावर पॉइंट पर, एक्सेल पर और वर्ड पर, तीनों ही जगह आप ये काम कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको चलना है सेव एस पर, जो सेव एस का ऑप्शन होता है और ये जो पॉपअप विंडो आती है, इस विंडो को ध्यान से देखिए, ये बताती है हमें किस लोकेशन पर, किस फाइल नेम में, किस एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल को सेव करनी है। इसी के साथ साथ ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती है दोस्तों, जिस पर कभी किसी का ध्यान जाता नहीं है, ये टूल्स का ऑप्शन। आप इस टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद जो लिखा आ रहा है जनरल ऑप्शन, मैप, नेटवर्क ड्राइव, सेव ऑप्शन, वेब ऑप्शन, कंप्रेस पिक्चर्स, आपको चलना है जनरल ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ जनरल ऑप्शंस पर आने के बाद देखिए दोस्तों लिखा आ गया है पासवर्ड। आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, तो मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने दोस्तों इसको पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड देने के बाद मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये एक बार और कन्फर्म करने के लिए री एंटर कराएगा पासवर्ड, तो मैं सेम पासवर्ड को यहाँ पर फिर से देने वाला हूँ। रिमेंबर दैट पासवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होगा आपका पासवर्ड, तो आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना होगा। और अब हम यहाँ से इसको ओके कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं। अब दोस्तों इस फाइल में पासवर्ड लग चुका है, आप इसको बंद कीजिए। आप जैसे ही इसको बंद करेंगे और आप नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए अब आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी और आपको यहाँ इसमें पासवर्ड देना होगा। हम पासवर्ड देते हैं जो हमने दिया था, एंटर करते हैं। ये देखिए ये फाइल ओपन हो गई है और अब आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। काम करने के बाद आप इसको क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद जब भी आप ओपन करेंगे ये हमेशा आपसे पासवर्ड मांगेगी और आप जैसे ही यहाँ पासवर्ड एंटर कर देंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों आपको इससे पासवर्ड हटाना है, आप पासवर्ड हटा सकते हैं आसानी से। आपको चलना होगा वहीं पर, सेव एज़ के ऑप्शन में जाएंगे, टूल्स पर जाएंगे, जनरल ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ ये जो पासवर्ड दिया हुआ है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये हमने इसको यहाँ से हटा दिया है। हटाने के बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सेव कर देते हैं। अब ये फाइल से पासवर्ड हट गया है, हम इसको यहाँ से करेंगे बंद। और बंद करने के बाद जो है दोस्तों जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो अब ये जो है फाइल बिना पासवर्ड के यहाँ से दोबारा से ओपन होगी। तो दोस्तों एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी पर ये नियम लागू है। आप इस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये उन लोगों के लिए जो अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को इन फाइल्स में सेव करके रखते हैं, चाहे कॉलेजेस हों,
हों, स्कूल्स हों, कंपनीज हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, एम्प्लॉयज़ हों, काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो इन ऑफिस के फाइल्स के ऊपर होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, कलीग्स में, बताइए कैसे आप इसका इस्तेमाल करके जो है इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।